हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना कंवर हिमाचली स्पेशल चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। आज हम आलू और मटर की सब्जी बनाएंगे, वो भी पहाड़ी स्टाइल में। हिमाचल में यह पहाड़ों में यह सब्जी किस तरह से बनाई जाती है, इसकी एक स्पेशल रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नहीं करूँगी। इसके लिए हमें मटर और टमाटर और आलू की ज़रूरत है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही आलू को काट के और मटर को छील के रख दिया है। दो बड़े टमाटर, इसको हम मिक्सी में चलाकर इसका पेस्ट बना लेंगे। और इसमें हम मसाले, जीरा, मेथी, हल्दी और एक प्याज मैंने काट के रख दिया है, और मिर्च और लहसुन को हम साथ में कूट कर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने पतीला चढ़ा दिया है, अब इसमें तेल डाल देंगे। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, इसे गरम होने देंगे और इसमें जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद इसे चलाते रहेंगे। जब हमारा जीरा तड़क जाए तो इसमें कटी हुई प्याज जो हमने काट कर रखे हुए थे उसे हम इसमें डाल देंगे। मामा, अब प्याज को भून लेंगे। जब तक प्याज हमारा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम प्याज को भून लेंगे। प्याज भूनने के बाद हमने जो मिर्च और लहसुन वाला मसाला कूट कर रखा था वो भी हम इसमें अब डाल देंगे। मसाले को पकने देंगे। अब इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब इसे थोड़ा और हम पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब जो हमने टोमेटो प्यूरी बनाई थी उसे हम इसमें डाल देंगे। टोमेटो प्यूरी डालने के बाद इसे हम चलाते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे और इसका ढक्कन बंद करके इसे लगभग 2 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला पक चुका है, टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसे थोड़ा चला लेंगे और आलू और मटर जो हमने पहले ही काट कर छील कर रखे हुए थे उसे अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। आलू मटर को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें मसाला आलू और मटर में अच्छी तरह से मिल जाए। इसे अच्छी तरह से चलाएं और अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और थोड़ी देर तक पकने देंगे। अब ढक्कन खोलकर देखेंगे। अभी हमारी सब्जी थोड़ी कच्ची लग रही है, थोड़ी देर और पकने देंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, अब देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी लगभग पक ही चुकी है और बहुत ही सुंदर खुशबू, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए, आलू पूरी तरह से पके हुए लग रहे हैं। अब हम इसमें लगभग 1 गिलास पानी डाल देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे जिससे हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाए। अब ढक्कन बंद करके इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। पाँच से सात मिनट हो चुके हैं, अब हम सब्जी को चेक करेंगे। देखिए, हमारी सब्जी पूरी तरह से पक चुकी है और इसमें अच्छी उबाली आ गई है।
अब आप इसमें हरा धनिया डालकर इसे गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको हरा धनिया पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमारी आलू मटर की सब्ज़ी पककर पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छी तरह से हमारी आलू मटर की सब्ज़ी पककर तैयार हुई है, बहुत ही स्वादिष्ट। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को मेरी लाइक कीजिएगा और मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।